एशिया कप सुपर 4 राउंड में जीता पाकिस्तान, भारत को 5 विकेट से हराया। रिजवान नवाज ने पलटा मैच। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गवाकर 181 रन बनाए। पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 5 विकेट गवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को एक गेंद रहते 5 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गवाकर 181 रन बनाए। विराट कोहली ने 44 गेंदों में 60 रन की पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 5 विकेट गवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 51 गेंदों में 71 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं मोहम्मद नवाज ने 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 42 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। भारतीय टीम को अब अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे। एक भी मैच हारने पर टीम इंडिया पर एशिया कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगेगा। भारत अब 6 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ेगा। वहीं पाकिस्तान की टीम 7 सितंबर को अफगानिस्तान का सामना करेगी। पाकिस्तान को आखिरी 3 ओवर में 34 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी के लिए आए और उनके इस ओवर में आसिफ अली का कैच छूटा, तब आसिफ खाता भी नहीं खोल सके थे। इसके बाद आसिफ ने 8 गेंदों में 16 रन बना डाले। आखिरी 2 ओवर में पाकिस्तान को 26 रन चाहिए थे। भुवनेश्वर कुमार ने 19वें ओवर में 19 रन दे डाले। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 7 रन चाहिए थे। पहले 3 गेंदों में पाकिस्तान ने 5 रन बनाए थे। चौथी गेंद में अर्शदीप ने आसिफ अली को आउट कर दिया। आखिरी 2 गेंदों में पाकिस्तान को 2 रन चाहिए थे। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने 2 रन लेकर जीत दर्ज की। खुशदेव